हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली के लिए। जी हां, आज हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में, कैसे एयर पॉल्यूशन का पता आप लगा सकते हैं अपने पास एक गैजेट को यूज़ करके। तो अगर आपको रियल टाइम में ये पता लगाना है कि भाई एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पर आप हैं वहाँ का एयर क्वालिटी कैसा है, तो उसके लिए आते हैं सेंसर और ये सेंसर है अफोर्डेबल। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक मीटर की, जिसको बोलते हैं एयर क्वालिटी मीटर। जी हाँ, कुछ इस तरह का दिखता है एयर क्वालिटी मीटर और आप इसको खुद खरीद सकते हैं। इसका बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ऐसे में अगर आपके पास ये है तो इसके थ्रू आप खुद पता लगा सकते हैं जहाँ पे भी आप हैं वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और अगेन डिपेंडिंग की एयर क्वालिटी कैसी है किस रूम की, आपको वहाँ पे एयर प्योरीफायर लगाना है नहीं लगाना है ये भी आपको पता चल जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको इस गैजेट के बारे में। तो दोस्तों, ये गैजेट आता है कुछ इस तरह के बॉक्स में और इस तरह के बॉक्स में आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कुछ आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे इस डिवाइस के मॉडल नंबर के अलावा बाकी सब कुछ जो है चाइनीज़ में लिखा हुआ है। इसमें आपको इनबिल्ट बैटरी मिलती है सबसे पहली बात, तो ये बैटरी से चलता है और यहाँ पे आपको खूब बड़ा सा एक डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें आपको कलरफुल डिस्प्ले मिलता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे दी गई है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी पोर्टेबल है, तो यू कैन ईजिली कैरी, इसको आराम से आप कैरी कर सकते हैं, ज़्यादा वेट नहीं है इसका और आराम से आप हाथ में पकड़ के इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको दो सेंसर मिलते हैं जो कि अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एक सेंसर ये पता लगाता है कि आपके जो एनवायरनमेंट है वहां पे जो हार्मफुल गैसेस हैं वो कितनी हैं, और हार्मफुल गैसेस के अंदर जो एक बहुत ही कॉमन गैस होती है वो है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एक तरह की ऐसी गैस है जिसकी वजह से आपके आँखों में जलन होती है, आपको गले में खराश होती है और ये गैस अलग अलग तरह के प्रोसेस से निकलती है। नेचुरल प्रोसेस से भी निकलती है गैस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर भी होती है, इंडोर में भी वुड वगैरह से, यानी कि वुड का कुछ काम हो रहा है, कोई भी और चीज़ हो रही है तो उससे भी निकलती है, जब आप कुकिंग करते हैं तो उसमें से भी ये गैस निकलती है। तो वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपके एनवायरमेंट को पॉल्यूट करती है और यही फॉर्मल्डिहाइड एक तरह की एक ऑर्गेनिक गैस है जो कि कहीं ना कहीं आपको अगर हाई कंसंट्रेशन में मिले तो आपको कैंसर भी कॉज कर सकती है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरह से ये काम करता है और कैसे आपको ये वार्निंग वगैरह दे देता है अगर कोई तरह का पॉल्यूशन ज्यादा है। तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड इज वन टाइप ऑफ पॉल्यूशन जिसके अंदर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, सल्फर ऑक्साइड आता है, जबकि PM2.5 एंड PM10 ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर जाके आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, बीमारियां कर सकते हैं, कफिंग की, स्नीजिंग की प्रॉब्लम, और जिन लोगों को अस्थमा है उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम सबसे पहले जो हो जाती है, यानी कि आपके लंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे आपको कुछ इस तरह का डिस्प्ले मिलता है और साथ साथ यहां पे एक छोटा सा स्माइली भी मिल जाता है। ये स्माइली ये बताता है कि आपका जो एयर है उसकी क्वालिटी कैसी है, अगर ये गुड स्माइली है, स्माइलिंग करता हुआ है, यानी कि एयर क्वालिटी इज गुड। तो जहां पे फिलहाल हम इंडोर में हैं तो यहां पे HCHO जो बेसिकली एक फॉर्मल्डिहाइड का मेजर है वो आपको बता रहा है कि वो फ्रेश है, यानी कि ऑर्गेनिक गैसेस इस कमरे में ज़्यादा नहीं है और ऐसे में ये हवा बिल्कुल साफ है जहाँ तक बात है गैस की, क्योंकि फ्रेश एयर है। और साथ ही साथ PM2.5 गुड बता रहा है क्योंकि PM2.5 का लेवल यहाँ पे कम है, यहाँ पे PM2.5 का लेवल है 0.62 यानी कि 62 ओनली, जो कि 100 से नीचे, और 100 से नीचे मतलब हेल्दी, तो PM2.5 यहाँ पे कम है। PM10 का लेवल भी यहाँ पे बता रहा है जो कि 70 है, वो भी कम है। तो ऐसे में दोनों ही चीज़ें कम है, पार्टिकल्स भी कम है जो कि आपके शरीर में नहीं जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलती है TVOC, यह है टोटल वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि अलग अलग तरह की जितनी भी गैसेज हैं वो टोटल कितनी हैं। तो यहाँ पे 0.015 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से आता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू भी काफ़ी कम है। तो इस तरह से ये आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो है दे देता है, चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड के बारे में हो जो कि एक तरह का ऑर्गेनिक गैस है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, साथ साथ PM2.5 पार्टिकल, PM10 पार्टिकल, और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, और एक कंबाइंड एयर क्वालिटी मीटर इन सब वैल्यूज़ के बेसिस पे आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि 79 है, जिसका मतलब है कि अच्छी बात, और 100 से नीचे AQI अगर आपका आता है यानी कि वो जगह सही है। लेकिन ऐसी सेम चीज़ आपको आउटडोर में नहीं मिलेगी, हमने इसको कैलिब्रेट किया, इसके सेंसर को कैलिब्रेट किया है, तो अगर आप इसको आउटडोर में लेके जाएंगे तो आपको अलग तरह की वैल्यू मिलेगी, सड़क पे ले जाएंगे तो अलग तरह की वैल्यू मिलेगी। अब अच्छी बात यह है कि ये रियल टाइम वैल्यू बताता है और रियल टाइम वैल्यू से आपको ये पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर हवा में कितनी गंदगी है, कितनी सेफ है वो आपके लिए, क्या आपको मास्क यूज करना चाहिए, और अगर आप इंडोर हैं तो क्या आपको उस रूम के लिए एयर प्योरीफायर लगाना है या नहीं। तो एक्चुअली में आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि भाई हाँ,
मुझे यहाँ पे एयर प्योरीफायर की ज़रूरत है और यहाँ पे नहीं है, या फिर यहाँ पे मुझे मास्क पहनना है यहाँ पे नहीं पहनना है। तो एक तरह से एक यूजफुल गैजेट है, पोर्टेबल गैजेट है। अब बात करें यहाँ पे इसकी बैटरी की, तो 2600 mAh की बैटरी है, आप इसको चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने के लिए इसके अंदर आपको एक माइक्रो यूएसबी केबल मिल जाती है, वो माइक्रो यूएसबी केबल को आप यहाँ पे लगाइए और पावर बैंक से इसको चार्ज कर लीजिए। तो पोर्टेबल है, इसको कोई अलग से कोई स्पेसिफिक चार्जर नहीं चाहिए, कोई अलग पोर्ट नहीं है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट है। आप अपने स्मार्टफोन के चार्जर से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसको ऑन ऑफ करने के लिए आपको साइड में बटन दिया गया है, तो इसको आप ऑन कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए कुछ इस तरह से। और साथ ही साथ इसके इंटरफेस के अंदर, यूजर इंटरफेस के अंदर आपको पूरा चार्ट मिलता है, यानी कि जिस जिस जगह पे आप गए, जहां पे भी आपने ये एयर क्वालिटी मीटर यूज किया, तो वहां का पूरा चार्ट, TVOC का चार्ट और साथ साथ HCHO का चार्ट, ये सब चीज़ों का चार्ट आपको मिल जाता है। PM 2.5, PM 10 का चार्ट मिल जाता है। तो काफ़ी एक्सटेंसिव तरीके से ये डेटा रिकॉर्ड करता है और वो डेटा कोई ग्राफिकल वे में आपको बाद में दिखा भी देता है, ताकि आपको पता चले कि भाई एक्चुअली में अलग अलग जगहों पे किस तरह का लेवल था इस तरह के पॉल्यूशन का। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, ये एक तरह का गैजेट है जो कि काफ़ी यूजफुल है और आगे भी आपको काफ़ी यूजफुल रहेगा जब आप इनडोर में हैं या आउटडोर में हैं, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी है और आपको मास्क यूज़ करना है नहीं करना है, ये भी आपको ये बता देगा। तो डेफिनेटली यूजफुल गैजेट है। आप लोग बताइए कि आपको ये गैजेट कैसा लगा, और कोई भी क्वेरीज क्वेश्चन है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम इस गैजेट का गिव अवे कर रहे हैं, तो गिव अवे में इसको जीतने के लिए दो क्वेश्चन जो कि वीडियो के अंदर पूछे गए उनका आपको जवाब लिखना है नीचे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।